सोचा है कि जो चावल 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो आता हो वो आपको ठेली पर इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं, वो भी बने बनाए, वो भी इतने स्वादिष्ट। नकली चावल से कैंसर का खतरा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लास्टिक चावल के सेवन से इसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। जो बनता चावल की तरह है, दिखता बिल्कुल चावल जैसा ही है, खुशबू भी वैसी ही आती है, पर सही मायनों में वो प्लास्टिक है। जो प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है वो कब कैंसर का रूप धारण कर लेगा और कब कैंसर की सेल्स को एक्टिवेट कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण और आज हम बात करेंगे भारत एट 9 में दाल और चावल की, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दाल और चावल का इस्तेमाल खूब होता है। हिंदी भाषी प्रदेश हो या दक्षिण, जब भी फटाफट खाना बनाने की बात आती है और हल्का भोजन करने की बात आती है तो याद आता है दाल और चावल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को रसम राइस बहुत पसंद है। बहुत सारे आप भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें रसम राइस बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि आप हमारी बात को ना माने, इनकार कर दें, यकीन ना करें, लेकिन दीपिका पादुकोण के उदाहरण के साथ शायद आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझ पाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले 2 एपिसोड हम कर चुके हैं दूध पर और सब्जी पर, किस तरह से नकली दूध और नकली सब्जी जो है वो आप तक पहुँचाई जा रही है। ऐसे में दाल चावल को भी ऐसे लोगों ने नहीं छोड़ा है। वो अभिनेत्री हैं, जी हाँ, दीपिका पादुकोण की हम बात कर रहे हैं। करोड़ों कमाती हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो उनकी बात को समझने वाले व्यक्ति ज़्यादा होंगे। और यही रसम राइस, यही चावल और दाल हमारे देश में नकली घूम रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये मिलते कहाँ हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे फूड पॉइंट्स पर, जो सड़क किनारे खाने के ठेले लगते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलते हैं। कहा जाता है कि बड़े सस्ते में दाल और चावल यहाँ मिल जाते हैं और लोग बड़े चाव से, हम जैसे, आप जैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े चाव से राजमा राइस, कड़ी चावल, छोले चावल खा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चावल 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो आता हो वो आपको ठेली पर इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं, वो भी बने बनाए, वो भी इतने स्वादिष्ट, और दालें इतनी सस्ती कैसे मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मखनी दाल बहुत ज़्यादा पसंद होगी, दाल तड़का बहुत ज़्यादा पसंद होगी, और ये बातें सुन के आपके मुंह पर भी पानी कहीं ना कहीं आ गया होगा। लेकिन खाने में जितना ये स्वादिष्ट लगता है, हो सकता है कि इसमें भी कोई ना कोई मिलावट हो। क्या ये सोचने की जहमत आपने कभी उठाई है? अगर नहीं तो अभी सुनिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको डराना चाहती हूँ, बस मैं आपको सावधान करने की कोशिश कर रही हूँ। इतने सस्ते दरों में ये फूड पॉइंट्स आपको फूड उपलब्ध कराते हैं। वो कैसे पूर्ति कर देते हैं? उनके पतीले में खाना कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा वो किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे होते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी फूड पॉइंट्स हैं जो 2400 घंटे चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई नकली चावल और दाल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि नकली चावलों का और दालों का इस्तेमाल हो रहा हो, ज़्यादातर क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। कुछ रिपोर्ट कुछ सालों पहले आई थी, उसका भी मैं जिक्र करूंगी। हम क्या नकली खा रहे हैं, हमें खुद पता नहीं चल पा रहा है, और क्या असली है, क्योंकि हम तो दूध भी ये समझकर पी रहे थे कि हाँ दूध पौष्टिक है, और हम तो काउ मिल्क पी रहे हैं, हम फुल क्रीम पी रहे हैं, लेकिन क्या असली है वो? आपने देखा किस तरह से सिंथेटिक इस्तेमाल करके, डिटर्जेंट इस्तेमाल करके उसको धड़ल्ले से बनाया जा रहा है और पैक करके आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, और आप खुद खरीद कर लेकर उसे आ रहे हैं और बड़े चाव से आप खुद भी पी रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। ऐसे ही सब्जियां भी, उसमें अजीब तरीके के रंग का इस्तेमाल हो रहा है, इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। वो सब्जियाँ हम तो हरी सब्जी खाते हैं, हम तो स्वस्थ हैं। तो ये आपने वीडियोज़ देखी, आपका प्यार मिला, और अब दाल चावल पर भी हमारे, क्योंकि जब हमने कुछ पुरानी रिसर्च उठाई और अब भी कुछ हमने देखा तो कुछ ऐसा पता चला कि आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर ऐसे चावल और दाल इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग चाव से उन्हें खाते हैं स्वाद के लिए, और ऐसे जो फूड पॉइंट्स हैं उसे खूब तेल मसालों में घी में बना रहे हैं। वो तेल कैसा है, वो घी कैसा है, कह रहे तो बाद का विषय है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि चावल भी नकली आते हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ साल पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी, काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था,
आप में से बहुत लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी, जानते भी होंगे। जी हाँ, प्लास्टिक से बने चावल आते हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फ्राइड राइस में होता है। अब आप ये कहेंगे कि आपका तो पसंदीदा फूड है चाइनीज में फ्राइड राइस। एक तो फ्राइड राइस वैसे ही अनहेल्दी हो जाता है, ऊपर से जब प्लास्टिक के चावल से बनेगा तो आप सोचिए कि कितना अनहेल्दी होगा आपकी बॉडी के लिए। तो चावल प्लास्टिक का कहां से बनता है, कैसे बनता है, वो भी आपको बताते हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। वो तस्वीर आप देखिए, आपको याद होगा कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्लास्टिक चावल को लेकर खूब बवाल हुआ था। नकली चावल से कैंसर का खतरा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लास्टिक चावल के सेवन से इसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। इससे आपको पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब तक आपको बीमारी का पता चल पाता है बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तो एक टाइम का खाना बिना चावल के पूरा ही नहीं होता। क्योंकि भारत में देखिए, अब कहीं ना कहीं सच्चाई तो यही है कि हम लोग जो है ना वो पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाते हैं। होना ये चाहिए कि आपको उसमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स है, कितना फैट है, कितने विटामिन्स है, इस हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। लेकिन हम जो हैं वो खूब घी, तेल, मसाला एकदम बढ़िया से बनाते हैं और बाहर भी ऐसा ही खाना प्रेफर करते हैं। ऐसे चावलों के रोजाना सेवन से हम कैंसर जैसी बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। प्लास्टिक के चावल के तत्काल दुष्प्रभाव नहीं होते। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर प्लास्टिक का चावल आपने कभी खाया है या आप खा रहे हैं गलती से, क्योंकि पहचान नहीं है, या बाहर जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं बाहर ठेलों पर खाते हैं या फिर किसी फूड पॉइंट्स पर खाते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये एंड्रोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, जिससे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और इससे लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा नकली चावल को बड़ी आंत की कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिससे वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप कहीं प्लास्टिक का चावल तो नहीं खा रहे? आप सोचिए कि आप कौन सा जहर खा रहे हैं, जो बनता चावल की तरह है, दिखता बिल्कुल चावल जैसा ही है, खुशबू भी वैसे ही आती है, पर सही मायनों में वो प्लास्टिक है। कहा जाता है कि संसार से प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता। यही वजह है कि देश दुनिया में पर्यावरण की शुद्ध रखने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल को ख़त्म करने की मुहिम बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं अपने देश में ही, विदेशों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने देश में ही मुहिम चलाई जाती है कि प्लास्टिक छोड़ो, प्लास्टिक को टाटा बाय बाय करो और कागज़ या फिर कपड़े से बने थैलों का इस्तेमाल करो। जब आप बाजार भी जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और उस प्लास्टिक का इस्तेमाल इतनी ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है कि ये डिकम्पोज भी नहीं होता है। आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, मुहिम तो छेड़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को टाटा बाय बाय कर दीजिए और ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो जो रिसाइकल हो पाए, लेकिन जो आपके पेट में चला गया उसका क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। समझिए, जिस प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए पर्यावरण भी असमर्थ है। क्योंकि जब आप मिट्टी में अगर किसी पॉलिथिन को दबाते हैं, आपने देखा होगा कि मिट्टी कभी गलती ही नहीं है, तो आपके पेट का प्लास्टिक कैसे साफ होगा और प्लास्टिक कौन कौन से रूप धारण करेगा, कौन कौन सी बीमारियां लेकर आएगा? सबसे अहम बीमारी तो कैंसर है, मैंने पहले भी बताया। जो प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है वो कब कैंसर का रूप धारण कर लेगा और कब कैंसर की सेल्स को एक्टिवेट कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 आप इलाज किसी और चीज़ का करवा रहे होंगे, वजह कुछ और होगी। आप सोचेंगे कि पेट में दर्द है, हल्का दर्द है, ठीक है दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाद में बहुत गंभीर हो सकता है। जो खान पान आप अपने बच्चों को खुद को खिला रहे हैं, ठेले पर जा कर के चलो आज चीट डे कर लेते हैं, ये कितना ख़तरनाक है आप सोचिए। हम लोग सस्ते के चक्कर में ऐसे फूड पॉइंट्स पर जाकर खा लेते हैं और ये हम नहीं जानते कि वहाँ जो चावल इस्तेमाल हो रहा है वो असली है या प्लास्टिक है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर जगह नकली चावलों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर हो रहा है। तो प्लास्टिक के राइस आने पर जो किसानों की मेहनत थी, जो आपको पौष्टिक आहार देते थे, कहीं ना कहीं किसानों का शोषण भी हुआ है।
साथ ही साथ आपने अपने शरीर का भी शोषण कर लिया है। क्योंकि देखिए, जब मैं पहले भी एपिसोड में बता चुकी हूँ कि किसी भी फसल को उगाने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, और पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि एक सीज़न में ही एक फसल होती थी, लेकिन अब आपको हर टाइम हर फसल मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इतना ज़्यादा प्रेशर किसान पर भी आ रहा है, किसान को लागत तो भी नहीं मिल पा रही है और खपत इतनी ज़्यादा है कि भारी मात्रा में इसकी डिमांड है। तो आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण हुआ, अपने शरीर का भी आपने शोषण कर लिया, क्योंकि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाया। हम किसान से सही अनाज खरीद पाएँ उसका मूल्य हम नहीं दे पाते, ना ही हम सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक खा रहे हैं। तो आज हमारे किसान भी कहीं ना कहीं खुश होते अगर हम ऐसा ना करते तो, ना उनको सब्सिडी की ज़रूरत होती, ना किसी सहायता धनराशि की। क्योंकि अगर हम वाकई पौष्टिक आहार लें तो लागत के हिसाब से किसान पैसा कमाएगा। लेकिन ये विडंबना है कि लोगों को जो नकली और असली की पहचान नहीं है, वो बस खाने पर फोकस करते हैं। दालों का भी यही हाल है, पॉलिश दाल बाजारों में बिक रही है, ऑर्गेनिकली ये नहीं होती, इनकी खेती नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्ति भी करनी है और मुनाफा भी कमाना है, और हम जैसे लोगों को सस्ता भी खरीदना है। क्योंकि देखिए, जो अच्छे पैसा कमाने वाले लोग हैं वो तो कैसे भी ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो सस्ता ही प्रेफर करते हैं। अब सस्ते के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, वो चाहते नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि नकली असली है। लेकिन कुछ ऐसे बीच के जो लोग हैं ना, वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से ये नकली चीज़ें बाजारों तक पहुँच रही है, बाजारों से ठेले तक पहुँच रही है, ठेलों से आपके घरों तक पहुँच रही है। तो दालों का कितना उत्पादन है, कितना हम निर्यात करते हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। कितना उत्पादन है, कितना निर्यात और कितनी खपत है, उत्पादन पर नज़र डालते हैं। भारत में 2022 से 23 में दलहन फसलों का करीब करीब 278.10 लाख टन उत्पादन हुआ। ये अब तक का रिकॉर्ड था, यानी दालों का इतना उत्पादन कभी हुआ ही नहीं था। पिछले सालों के हिसाब से, यानी कि उससे पहले 273.20 लाख टन उत्पादन की तुलना में इस बार उत्पादन 5 लाख टन ज़्यादा हुआ है। निर्यात, भारत ने पिछले कुछ सालों में दालों के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि देखी है। भारत से दलहन की निर्यात लगभग 2.70 लाख टन था, जिसकी कीमत साल 2018-19 में 1,600.98 करोड़ रुपये थी। अब खपत पर नज़र डालिए, भारत में दाल के रूप में अरहर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी का उत्पादन पिछले साल भर में ही रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन कम हुआ है। अब सोचिए, अब खपत पूरी कैसे हो रही है जब उत्पादन इतना कम हुआ है। साल 2021 से 22 में 42.20 लाख टन का उत्पादन हुआ, जो 2022 से 23 में 34 लाख टन रह गया है। अब भारत में लगभग 45 लाख टन अरहर दाल की खपत होती है। ये तो सिर्फ अरहर दाल की मैं बात कर रही हूँ, वाकई तो बहुत सारी दालें हैं जो आप खाते हैं। तो ये सप्ताह हमने आपको डराने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए और सावधान करने के लिए निकाला है। तो आप सचेत रहिए, अपने और अपनों का स्वास्थ्य को लेकर और बच्चों को भी ऐसे खाने को लेकर आप सिखाएं कि नो मीन्स नो होता है। ये तरीका बताएं कि अगर नहीं तो नहीं। ठेलियों पर खाना अनहेल्दी हो सकता है, या हर जगह की बात नहीं हो रही है, कुछ जगहों की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दालों का प्रकार कितना है, देखिए मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, अरहर दाल का जिक्र किया मैंने, उड़द दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ये दालों के प्रकार हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अरहर का खपत ज़्यादा है। लेकिन चने की दाल थोड़ी सी यहाँ महंगी हो जाती है, मूंग की दाल थोड़ी और महंगी हो जाती है, मसूर भी कुछ इसी तरीके से है। तो इनके रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं और लोग पॉलिश दाल या फिर नकली दालें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा होता है कि सस्ती हो गई है दाल, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दालें नकली हैं। चावलों के प्रकार, वैसे तो भारत में 6,000 से ज़्यादा प्रकार के चावल मिलते हैं, लेकिन उन प्रकारों पर नज़र डालते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बासमती चावल, गोविंद भोग चावल, मोगरा राइस, इंद्राणी चावल, पलक्कड़ मट्टा, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भारत में होता है। और कहीं ना कहीं इसी में ही जो ऐसे माफिया हैं, फूड माफिया उन्हें कह सकते हैं, वो प्लास्टिक के चावल का उत्पादन करते हैं और इन्हीं में मिक्स करके बेचते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम असली और नकली की पहचान कर पाएं, तो आज तरीका भी बता देते हैं नकली असली की पहचान कैसे की जाए। ये जो चावल आप खा रहे हैं वो असली है या प्लास्टिक है,
मुट्ठी भर चावल लें और उसे माचिस की तीली या लाइटर का उपयोग करके जला दें। अगर चावल के कण प्लास्टिक के बने हैं तो जलने के तुरंत बाद उनमें से प्लास्टिक की गंध निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, चावल को उबालकर एक बोतल में 2 से 3 दिन के लिए रख दें। यदि उबले हुए चावल पर फंगस का असर नहीं होता तो ये सामान्य चावल नहीं बल्कि प्लास्टिक चावल है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़ी सी चावल लें और उस पर गर्म तेल डालें। अगर चावल प्लास्टिक का बना है तो वो थोड़ी देर में पिघल जाएगा और कंटेनर के तले में चिपक जाएगा। अब आता है पानी का टेस्ट। पानी की एक बोतल लें और इसमें एक बड़ा चम्मच चावल डालें और इसे कुछ देर तक हिलाएं। यदि चावल जल स्तर के ऊपर तैरता है तो प्लास्टिक का चावल है, और क्योंकि ये प्राकृतिक चावल पानी पर तैरता नहीं है। नकली चावल की पहचान उबालते समय की जा सकती है। अगर चावल प्लास्टिक का बना है तो उबालते समय बर्तन पर इसकी मोटी परत बन जाएगी। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको नोट करने चाहिए, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे कैसे आप पहचान कर सकते हैं। जो 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो खा रहे हैं, हो सकता है कि वो असली हो, लेकिन जो 40 रुपये किलो मिल रहा है, 30 रुपये किलो मिल रहा है, 25 रुपये किलो मिल रहा है, हो सकता है वो नकली हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो राशन आपके घरों तक पहुंच रहा है वो नकली है, वो तो बिल्कुल सस्ते दरों पर ही आपको मिलेगा, लेकिन जो आप बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं सस्ते दरों पर, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। तो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, और सस्ता खाने के चक्कर में हम बार बार अस्पतालों के चक्कर भी काटेंगे। मेडिसिन से आप कुछ समय के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी किसी भी रूप में प्लास्टिक आपको परेशान कर सकता है। आपके लीवर पर, पाचन क्रिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, किडनी पर असर डाल सकता है, दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जब आप फैटी हो जाते हैं, यानी कि आपका फैट बढ़ जाता है, तो इस तरह का खाना खाने से अचानक आपका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे होते हैं। पेट भरने को आप पौष्टिक आहार नहीं कह सकते, इसलिए संतुलित आहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी फास्ट फूड खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घर का भी भोजन खा रहे हैं तो वो भी संतुलित ही रहे। उसमें हरी सब्जियां भी हो, उसमें चावल भी हो, रोटी भी हो, मोटे अनाज भी हो, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। लेकिन जो नकली चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का भी मैंने जिक्र किया है, तो ये बताना हमारा कर्तव्य है। और आज हमने बात की कि दाल चावल में किस तरह से मिलावट हो रही है। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी। हम पानी कैसा पी रहे हैं, क्या वो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। बहुत सारे आरओ के एड्स आप देखते होंगे कि इस आरओ का आप इस्तेमाल करिए, पानी आपको प्योर मिलेगा, क्या वो प्योर है। और जो पानी जो शहरों में आ रहा है, क्या वो साफ़ आ रहा है। देखने में तो साफ़ होता है, लेकिन वाकई क्या वो साफ़ है। तो ये एपिसोड कल हम करने वाले हैं। और आज जो मैंने बताया कि दाल और चावल का नकली कितना बड़ा व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, तो जागरूक होने की ज़रूरत है। डराना मेरा मकसद नहीं है, सावधान करना मेरा मकसद है। और तो आप सोच लीजिए, आपको दाल चावल नकली खाने हैं, असली खाने हैं, क्योंकि दाल चावल तो खाने में वाकई बहुत स्वादिष्ट लगता है। भारत टाइम में आज के एपिसोड में इतना ही। कल पानी पर हम बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।